अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्याशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं सपुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम् तो वह जो सदतत्व है वो अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ किया गया कि वह किसी प्रमाणों के जरिए से जाना नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने उसको नहीं जाना, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है, वह अनादि है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान के लिए एक दो प्रकार के लक्षणों की बात कही जाती है, एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है निषेध लक्षण। मतलब इन दोनों ही परंपराओं से ज्ञान होता है, स्वरूप लक्षण और निषेध लक्षण। इसी निषेध लक्षण को कभी कभी बोलते हैं ना इति न इति, अपने शास्त्र में पढ़ा होगा, नेति नेति पढ़ा होगा ना अपने कभी धर्म ग्रंथों में, नेति नेति। इसी को ना इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कल मैंने आपसे कहा कि यहां पर किसी डेस्क का ज्ञान कराना है तो एक लक्षण ये है कि डेस्क लंबी है, चौड़ी है, भूरी है, इतनी ऊंचाई है, इस रंग की है, उस डेस्क को ले आओ, इसको क्या कहेंगे, स्वरूप लक्षण। लेकिन कोई चीज अनिर्वचनीय होवे तो आप उसका ज्ञान कैसे कराओगे? तो कहा गया कि जब जाना तो घड़ी होगी एक गोल, उसको मत लाना, दरी मत लाना, माइक मत लाना, पर्दे मत लाना, स्पीकर मत लाना। लेकिन जो बचे उसको ले आना। कभी मैंने इसको शास्त्रीय भाषा में कहा होगा, इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। अब ये शब्द भी आप
सुन लीजिए, कहीं आए तो आप ऐसा मत कि नहीं आता है। शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय मैंने समझाया होगा कि एक बच्चा है और उसको चंद्रमा का ज्ञान कराना है, लेकिन वहां जो बालक है वह चंद्रमा को नहीं जानता है, फिर चंद्रमा का ज्ञान कैसे कराया जाए? तो उसकी जो माँ है वो एक वृक्ष के सामने ले जाती है और बोलती है चंद्रमा को देखो, बट वो चंद्रमा को देख नहीं पाता। माँ क्या कहती है, मेरी उंगली की सीध में से ये जो डाल जा रही है इसको हटा दो, इसके ऊपर जो शाखा जा रही है ये भी हटा दो, जो दाएं शाखा जा रही है ये भी हटा दो, और सब शाखाओं को हटाते हुए जो भी गोल चीज बचे वो चंद्रमा है। देखो जी, बना ना, तो बच्चे को किसका ज्ञान हो गया, चंद्रमा का ज्ञान। इसी तरह से आत्म चैतन्य का ज्ञान वेदांत में निषेधात्मक लक्षणों से किया जाता है। आत्म चैतन्य के लिए शास्त्र को पढ़ने से जो मल है वो मल दूर होता है, ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, मैं मान लूं कि शास्त्र पढ़ने से चैतन्य का ज्ञान हो गया, तो उसमें दोष क्या होगा? मान लो पढ़ लिया, ज्ञान हो गया और वर्णन नहीं किया जा सकता, चलो ऐसी क्लॉज रख लो आप, मतलब शास्त्र पढ़ने से, हम अभी क्या कह रहे थे, शास्त्र से उस चैतन्य का ज्ञान नहीं होता, मल दूर होता है। मान लें कोई पूर्व पक्षी होवे और वो ये कहे कि शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान होता है, तो इसमें दोष क्या है? क्यों नहीं होगी? उसने पढ़ा और मन से इसने किया, एक 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 हाँ, एक एक बोलो भाई। हाँ, बात एक मिनट, एक कैसी है? पहला कहा जा रहा है शास्त्र पढ़ने से चैतन्य का ज्ञान नहीं हो सकता, शास्त्र पढ़ने से जो बाहर की चीजें थी वो सब क्या हो गई, दूर हो गई, ये तो नहीं कहा गया कि मैं अभी मैं इस पक्ष को लेकर आगे पैरवी करता हूं, तो शास्त्र तो हजारों पंडितों ने पढ़ डाले, ठीक है, शास्त्र ही क्या, हजारों व्याख्या कर डाली, व्याख्या ही नहीं लिख डाला किताब, क्या हजारों किताब लिखने पढ़ने पढ़ाने, और यही नहीं जिसको आप पढ़ते हो, ठीक है, वो उनके दिमाग में है, क्या ज्ञान हो गया? मैं इस पक्ष की ओर आप बोल रही थी ना, मैं इसको ही ध्यान दे रहा, शास्त्र चैतन्य का ज्ञान नहीं करा सकता। अब मैं दूसरी पक्ष में जाता हूं, अगर ज्ञान कराता है तो उसमें दिक्कत क्या है? मान लिया जाए ज्ञान कराता है तो दिक्कत क्या होगी? वेदांत ऐसा क्यों कह रहा है कि शास्त्र उसका ज्ञान, बोलो जी, पहली नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो सबकी दृष्टि में एक ही है, अहम अस्मि, वही चैतन्य, चैतन्य क्या है, अहम अस्मि, यही ज्ञान है और कुछ तो है ही नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्म
है, बस यही चैतन्य का ज्ञान है। पहली बात, इसका मतलब शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है, तो फिर जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा उसको ज्ञान, तो कबीर तो रहीम तो तुलसी तो इन लोगों को ज्ञान, क्योंकि ये निरक्षर थे। तो कहीं इतिहास के एक कोने में ये मानना पड़ेगा कि ये सबके सब, हाँ ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये खतरे से खाली नहीं है। अरे कबीर को तो लोगों ने माना ही माना कि उसने वो सत्य को देख लिया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने भी शास्त्र नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। कई, मैं सभ्य लोग समाज में जाता हूं तो कई बार वो जो पर्सन है वो इतना ईमानदार होता है, मैंने देखा कि वो उसने ये श्लोक नहीं पढ़ा लेकिन जो इसका अर्थ है वो वही बातें करता है जो हम और आप, कहां से आप गांव में भी जाएं कोई कोई व्यक्ति ऐसा निकलता है जो इसी अर्थ को क्या करता है, गाता है। बस उसकी भाषा अलग है, उसके शब्द अलग है, लेकिन जो कहना चाहता है वो, पहला दोष। तो यदि शास्त्र पढ़ने से होता है तो शास्त्र न पढ़ने वालों को कभी ज्ञान। दूसरी बात, शास्त्र पढ़ना एक क्रिया है, शास्त्र पढ़ना एक क्रिया है, और आत्म चैतन्य का ज्ञान किसी क्रिया के जरिए से संभव नहीं है। क्योंकि यदि वो क्रिया है तब तक तो वो है, लेकिन क्रिया बंद होने पर, जिसको आप बोलते हैं ना शाब्दिक ज्ञान, उसका लक्षण ये है, और आप उसको बुरा मत मानिएगा, यदि आपके पास भी शाब्दिक ज्ञान है तो उसको पहचान लीजिएगा कि जब आप उसको नहीं पढ़ते तो वो आपको, बोलो जी, याद नहीं रहता। इसका मतलब वो जो ज्ञान था वो रटा हुआ था, वो शाब्दिक था, क्योंकि शब्द रटे थे तो याद था, लेकिन शब्द भूल गए तो वो ज्ञान भी चला गया। अरे अहम अस्मि को कहां रटा था, पकड़ में आया? शास्त्र पढ़ना भी एक क्रिया है। कहीं अल्टीमेट जब वेदांत होता है तो वहां श्रवण क्रिया को भी एक सूक्ष्म क्रिया माना गया। देखो, ध्यान को तो माना ही गया, मनन को भी माना गया, और श्रवण को भी एक क्रिया माना गया, क्योंकि ध्यान, यदि यह ध्यान है कि किसी एक विशेष स्थिति में बैठ के है, तो फिर जब वह विशेष स्थिति नहीं है तब क्या है? असली ज्ञान चाहे वह ध्याना स्थिति में होवे और चाहे ध्यान की स्थिति में न होवे, उठते जागते खोलते बंद करते वो चीज उसके सामने है, तो वह ज्ञान है। इस बात को जरा दिमाग में बैठाना। इसी को कई बार मैंने आपके सामने कहा होगा कि साधो सहज समाधि भली, जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि लगती है। बहुत अंतर है इन वाक्यों में। यहां एक निधिध्यासन, एक ध्यान, एक क्रिया बन गई है, और यदि वो क्रिया है, ठीक है, तो ये भी भान होता है कि मैं इसको करने वाला हूं, तो मैं करता भी हूं। यदि क्रिया है, मतलब क्रिया की पहचान बता रहा हूं मैं आपको, यदि वो क्रिया है तो आप करता भी बने हो, यदि वो सहज रूप से हो रहा हो और मुझे भान भी ना होवे
तो फिर मैं उस क्रिया का कर्ता, बोलो जी, जैसे मैंने आपसे कहा श्वास, श्वास आ रही है और जा रही है, लेकिन मैं इस क्रिया का कर्ता, लेकिन जब मैं प्राणायाम करूंगा तो फिर तो मैं कर्ता बनूंगा। तो ये ध्यान रखना। फिर शास्त्र का अध्ययन क्यों? तो शास्त्र का अध्ययन मल को हटाने के लिए है, आत्मज्ञान के लिए नहीं। इसको थोड़ा अच्छी भाषा में बोलिए, शास्त्र निवर्तक है, ज्ञापक नहीं है। हो गया ना, जो कल इसको अंत किया मैंने, ज्ञापक नहीं है। ज्ञापक मतलब ज्ञान नहीं करा सकता, अतत धर्मों का निवर्तन कर सकता है। सोच के देखना, शास्त्र में क्या नहीं हूं उन बातों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। औषधियां क्या करती हैं, दवाइयां, थोड़ा जो इस विषय में कभी डॉक्टर से चर्चा करते होंगे, आप उनसे पूछना, आपको ध्यान के ताज्जुब होगा कि चाहे पेट में एलर्जी हो, चाहे कहीं एलर्जी हो, एलर्जी की दवा, ठीक है, वो पेट के लिए नहीं होती। मैं एक बार ऐसे ही डॉक्टर से भेड़ गया, गला होता है तब भी वही दवा देता है, पेट होता है तो भी ऐसे ही देता है, दैट दवा नेम इज सेफ्टम, हर जगह वो दवा। आखिर पेट अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, स्टोन अलग है, बट सबके लिए एक दवा। दवा उस रोग के लिए नहीं है, याद रखना। औषधि कभी रोग को दूर नहीं करती, औषधि वो जो कीटाणु पैदा हो गए, ठीक है, वो उनको दूर करती है। उनको दूर करने से स्वास्थ्य हाँ आता नहीं है, पहले से था, वो पहले के स्वास्थ्य को उन कीटाणुओं ने ढक रखा था, वो दवाइयों ने उन कीटाणुओं को मारा, तो जो स्वास्थ्य पहले से था वो क्या हो गया, वो वापस आ गया। स्वास्थ्य गया नहीं था, स्वास्थ्य वहीं पे था। एक साबुन कपड़े को साफ नहीं करता, पलट के देखना कभी, एक साबुन किसी को गोरा नहीं बना सकता। साबुन इतना करता है कि वो जो मल है, ठीक है, साबुन में ये दम आ जाए कि जो आपने कपड़ा खरीदा था उससे ज्यादा सफेदी ला दे, जिस दिन खरीदा था और जो सफेदी थी उससे ज्यादा सफेदी साबुन ला नहीं सकता। तो साबुन करता क्या है? साबुन कपड़े पे लगी हुई मैल को हटाता है, मैल के हटने से हाँ जो स्वच्छता है जो पहले से थी, ध्यान रखना, लाई नहीं गई, उस स्वच्छता को जो ढक लिया था, वो जो मल था वो क्या हो गया, स्वच्छता आगंतुक नैमित्तिक नहीं है, स्वास्थ्य आगंतुक नहीं है, स्वास्थ्य वहीं पर था, सफेदी वहीं पर थी, ज्ञान भी वहीं पर है, लेकिन उस ज्ञान को आप कभी कभी इस बात को व्यवहार में कहते हैं कि मैं इतने लोगों से या इतनी चीजों से घिर गया कि जो मैं था वो मैं निकल ही नहीं पाया। व्यक्ति कभी कहते हैं ना व्यवहार में, मैं ऐसे लोगों में घिर गया या ऐसी आदत आ गई, जो मैं था वो तो मैं अब हूं, मैं उस समय ये इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उन लोगों से, ठीक है, घिरा था मतलब क्या,
और बाद में मतलब कि आपने पैदा किया वो गुण, वो पहले से था, वो लाया नहीं गया, आगंतुक नहीं है। आगंतुक मतलब नैमित्तिक, मतलब किसी के कारण वो आया नहीं, वो सहज रूप से था। शास्त्र जो ज्ञान कराता है वो सिर्फ मल और विक्षेप, जो परेशानी, जो बाधा, जो अंतःकरण अशुद्ध, और एक वाक्य में कहा जाए तो शास्त्र अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। शास्त्र अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं। शास्त्र ज्ञापक नहीं हो सकता, शास्त्र निवर्तक है। इसमें कोई भेद रहता है? इसमें कोई संशय है? अभी सब शांत। अब सरोज रहे सब शांत की है? भी कुछ बुलबुले, कोई बुलबुले बाकी हैं? अभी कोई प्रश्न है? सब शांत हो गए। तो शास्त्र ज्ञान नहीं करा सकता, शास्त्र निवर्तक है। इस बात को किससे बताया गया? अनाशिनः अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य प्रमेय नहीं बन सकता। ध्यान रखना, जिस दिन प्रमेय बन गया उस दिन तो वो क्रिया के अधीन आ गया। मैंने जान लिया, कैसे जाना? तो मैंने इस क्रिया से जाना, मतलब वो इस क्रिया के क्या हो गया? अधीन हो गया। क्रिया सहायक हो सकती है, कोई नदी को पार करने के लिए सिर्फ नाव का सहारा तट तक ले सकता है, तट के पार नहीं। तट के आगे नाव नहीं जा सकती, और व्यक्ति को उसके क्या करना पड़ेगा? पार। तो नाव की अपनी एक सीमा है। ये दो साधन हैं, जप, तप, व्रत, उपवास, शास्त्र, इनकी अपनी एक सीमा है। वो सीमा ये है कि आपको इतना शुद्ध बना देते हैं कि आप उस बात को ग्राह्य करने में तुरंत क्या है? सक्षम है। तो सबकी ग्राह्य शक्ति अलग अलग है। शास्त्र एक है, शास्त्र एक हो, और गुरु भी एक हो सकता है, क्लास भी एक हो सकती है, लेकिन सबकी जो ग्रहण शक्ति है वो सबकी, अब जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति वो उस चीज को वैसा ही क्या करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतःकरण की शुद्धता घट सकती है, बढ़ सकती है, इतना हो सकता है, तब तो कभी नहीं जा सकता। ये याद रखना चाहिए, तत्व तो कभी गया नहीं है, तत्व तो कभी जाएगा नहीं, तत्व तो वहीं का वहीं है। हमारी जो देखने की शक्ति है वो कमजोर और ज्यादा हो सकती है। भगवान दूसरी ओर आक्षेप लगाते हैं कि कुछ लोग यह एनम वेत्ति हंतारम, कल मैंने बोला था हंतारम का जो अर्थ है वो है कर्ता, शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? मारने वाला। हंतारा मतलब मारने वाला, तो हंता शब्द पर कैसे बना? कर्ता, मंता, गंता, श्रोता, दृष्टा, वक्ता, इसी से शब्द क्या बन गया? हंता। यह जो भी एनम, एनम मतलब प्रकृतम, प्रकृतम मतलब जो प्रकरण चल रहा है, किसका? ब्रह्म का, अहम का, सत का, अविनाशी का, अज का, अव्यय का, जिसका ये प्रकरण चल रहा था, कोई कोई इसको मानता है कि ये हत्यारा है। हत्यारा मतलब इसने हत्या की। कोई कोई मानती, कोई कोई मानता है यह च एनम, मेरी हत्या की गई। देखो जी,
एक अपने आप को कर्ता मानता है, तो कल मैंने कहा था एक अपने आप को कर्म मानता है, भगवान बोलते हैं उभौ तौ न विजानितो। जो अपने आप को कर्ता मानता है, जो अपने आप को कर्म मानता है, मतलब भोक्ता, समझ में आया ना ये, हाँ, मैं कर्म का विषय बन गया मतलब भोक्ता। जो अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है कि मैंने किया और मैंने भोगा, क्या भोगा, सुख दुख, खट्टा मीठा, सफलता असफलता, ये सब भोग है। जो ये कहता है मैंने भोगा, उभौ तौ, तौ मतलब ये दोनों, कौन दोनों, कर्ता और भोक्ता, न विजानी तो नहीं जानते, क्या नहीं जानते, नायम हन्ति न हन्यते, न कोई मारने वाला है न कोई मरने वाला है, ना मतलब कोई करता है ना तो कोई भोगता है, असलियत ये तात्विक ज्ञान है, याद रखना, व्यावहारिक स्तर की बात नहीं कह रहा हूं। जो ब्रह्म है वो कभी कर्ता और भोक्ता बन नहीं सकता, बना है तो किसके कारण, अपनी भूल वशात, अज्ञान वशात। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, विकारों की बात हुई तो भगवान जितने विकार होते हैं सबको बता देते हैं, इससे ज्यादा विकार नहीं हो सकते, क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, ये विकार हैं। उस अहम का, वो अहम कौन है जिसको भगवान ने सत कहा, कहा था ना ना सतो विद्यते भावो, जिसको अविनाशी कहा, जिसको अव्यय कहा, उसी को बोलते हैं न जायते, उसका जन्म नहीं होता है। आप लोग जी, जन्म भी एक विकार है। विकार मतलब क्या, उसके भी प्रकार है। विकार मतलब क्या, इसको डिफाइन करना हो कि विकार की परिभाषा क्या दोगे, क्या स्वप्न से, जागृत से स्वप्न में जाना विकार है, जागृत से स्वप्न में जाना विकार है, तो जब आप लौट के आते हो तो फिर कुछ किलो, कुछ बुद्धि, कुछ सब कम हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला विकार को समझना। विकार वह है पूर्व अवस्था का त्याग, पश्चात अवस्था का ग्रहण, ये विकार है। इसको एकदम पक्का करना, क्योंकि कोई इसमें आपको बोल सकता है स्वप्न विकार नहीं है, स्वप्न भ्रम है, ठीक है ना, जैसे गए थे हाँ वैसे ही कोई शरीर में विकार, मतलब कोई किलो, कोई बुद्धि, कोई वासना, कुछ हुआ नहीं, ये तो हमारा भ्रम था, लेकिन दूध था, दूध से दही बन गया, अब दही दूध नहीं बन सकता, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दूध का क्या हो गया, विकार, विकार क्या बना, दही। अब आप अपनी किशोरावस्था ला सकते हो, लाख जिम जा लो आप, लाख एक्सरसाइज कर लो, लाख कोशिश कर लो, ले आओ अवस्था आप,
लाख क्रीम लगा लो, हो सकता है? पूर्व अवस्था का त्याग और पश्चात अवस्था का मतलब, अब वो चीज वहां नहीं जा सकती जहां से चली थी। जैसे दूध से दही, इसको बोलते हैं विकार। जन्म एक विकार है, सोच के देखना जरा। मैंने कहीं एक फिलोसोफर को पढ़ा, उसने उल्टा बोला, मृत्यु जिंदगी का पहला कदम है। मृत्यु जिंदगी का पहला कदम है, वह मृत्यु ही है जो द्वार पे खड़ी है अंदर आने के लिए। ये भी एक दृष्टि है स्वागत करने के लिए, क्योंकि साजो सामान सहित मृत्यु ही एक है जो जन्म लेने के लिए क्या है, विवश है। तो जन्म के पहले क्या है, मृत्यु। तो पहला द्वार क्या हुआ, मृत्यु। तो बोले फिर मृत्यु से घबराना क्यों, मृत्यु भी एक जन्म है। अब लो गजब की बात है, जरा आप सोच के तो देखना इन विषयों पर। तो जन्म एक विकार है, विकार इसलिए है कि अब आप पुनः यहीं पे इसी शरीर में पुनः किशोरावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हो गया, जन्म कहते किसको हैं? प्राग अभाव को जन्म कहते हैं। देखो जी, मतलब जो चीज पहले नहीं थी, जो चीज पहले नहीं थी उस नहीं से अब वो चीज आई, उसको क्या बोलते हैं, जन्म। इसका मतलब जिसका जन्म हुआ है वो पहले, तभी तो आपने उसको क्या बोला। इसका मतलब चैतन्य का ये लक्षण तो हुआ ना, चैतन्य का ये लक्षण तो नहीं है। चैतन्य तो पहले भी थी और अभी भी, इसलिए चैतन्य का जन्म, यदि कोई कहता है कि चैतन्य का जन्म हुआ, जन्म के लिए मानना पड़ेगा कि वो पहले। समझ में आती है बात आपको, शरीर का जन्म हुआ क्योंकि शरीर, लहर का जन्म हुआ, लहर का जन्म हुआ जल का नहीं, आभूषण का जन्म हुआ स्वर्ण का नहीं, शरीर का जन्म हुआ। मतलब जन्म एक विकार है पहला, क्यों विकार है, क्योंकि ये पहले नहीं था। जो पहले नहीं हो बाद में होवे वो एक विकार है, क्योंकि जो पहले नहीं था अब है, इसका मतलब बाद में, इसी को मृत्यु कहते हैं। न जायते मृयते। देखो जी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो, मृत्यु मतलब क्या, रद्वंश अभाव। घट था, घट टूट गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रध्वंश अभाव। मतलब मृत्यु एक ये अभाव को बताती है कि ये पहले था और अब, तो ये बाद के अभाव को बताती है, तो जन्म पहले के अभाव को बताता है। समझना जरा, जन्म ये बताता है कि पहले नहीं थे अब हैं, मृत्यु ये बताती कि अब हैं लेकिन बाद में। तो ये भी एक, बोलो जी, विकार है। हुआ, न जायते मृयते वा कदाचित, ये होएगा ये कभी नहीं होएगा, क्योंकि ये सदैव से है। वो चीज होएगी जो चीज पहले न हो, वो चीज होएगी जो पहले न हो, जो चीज पहले से ही है वो चीज कभी होगी नहीं, और ये चीज कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये कभी हुई ही नहीं। बहुत ध्यान से देखना,
ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी क्योंकि ये चीज कभी हुई ही नहीं। ये सब आत्म चैतन्य के लक्षण है और आपको देखना है तो अहम 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 मैं के ऊपर ये छेवों के छेवों लक्षण सब आते हैं, घटित होते हैं। अब मुझे पता है आप भूल गए होगे, इसी को मैंने दृग्दृश्य विवेक में पढ़ाया था, नोदेति नास्त में तेषा न वृद्धिम याति न क्षयम स्वयं विभाति। ये दृग्दृश्य विवेक में पढ़ाया, न उदेति नास्त में तेषा न वृद्धिम न याति क्षयम। इसी को कठोपनिषद में भी आपने पढ़ा, अहम में अहम का न तो जन्म हुआ न तो अहम का बोलो जी मरण होगा। शरीर का ध्यान रखना, अहम का नहीं। बूढ़ा कौन हुआ, या ऐसा कह लें किशोरावस्था किसकी गई और बूढ़ावस्था आएगी किसकी, देखो जी अहम की नहीं। जो अहम जिस दिन पैदा हमें भान हुआ, जो अहम पहले था वही अहम मैं हूं। क्या हूं नहीं ये मत सोचना, मैं हूं, कोई परिवर्तन नहीं है। न जायते न म्रियते न कदा वा कदाचित नायम भूत्वा न भविता न भूयः जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनाशः इति विकारः। ठीक है, ये विकार का लक्षण ही है, ध्यान रखना। विकार मतलब जो पहले था वो अब नहीं, पूर्व अवस्था का त्याग और पश्चात अवस्था का। ये हम भगवान बोलते हैं, फिर अहम कैसा है बोलते हैं, वो इस लक्षण में अजह। देखो न जायते उसको जोड़ लो अजह, अहम का जन्म नहीं हुआ है। अहम मतलब ध्यान रखना कोई और नहीं, मैं आपके अपने पर्सनल अहम की बात कर रहा हूं, जिसको आप क्या बोलते हैं मैं, इसका जन्म नहीं हुआ, जन्म शरीर का हुआ। देखो यही जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसी को बोलते हैं नित्य, वही रह सकता है, जन्म होगा तो मरण होएगा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो सदैव रहने वाला है नित्य, इसी को बोलते हैं शाश्वत। मिल गया, ये पुराणों सबसे प्राचीन कौन है, यही है। न हन्यते किसी को नहीं मारता, न कोई इसको मार सकता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मिल गया। और इसी 21वें श्लोक में आके भगवान ने इस पूरी जो अभी प्रकरण चल रहा था इसको क्या कर दिया, आके कंक्लूड किया। अब तक भगवान ने जो जो चीजें बोली वो सब इसी श्लोक में आ गई। जरा देखना आप 21वां श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम। ये देखो ये पढ़ने का क्रम है कि एक श्लोक से दूसरा श्लोक क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ये 21वां श्लोक जो आपने पढ़ा कहां से, 16वें श्लोक से, यहां तक कि 15वें श्लोक से, 15 से 20 तक जो जो शब्द भगवान ने बोले वो सब के सब शब्द 21वें श्लोक में आ गए। देखो आप क्या श्लोक हैं, वेद, वेद मतलब जानो, क्या जानो, अविनाशी शब्द कहां आया, कौन सा श्लोक है वो श्लोक बोलो, अविनाशी तु तद विद्धि। देखो यहां भी शब्द क्या बोला, अविनाशी, फिर क्या आया नित्यम, ये शब्द कहां आया, नित्यम शब्द आया कि नहीं आया अभी तक,
अभी अभी पढ़ा पहले आपने, हाँ नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, अभी आपने पढ़ा अजोहु नित्यम, देखो जी वही शब्द एनम अजम, ये शब्द कहाँ आया? श्लोक बोलना 20-21 कह के तो आप घुमा दोगे हमें, अजम आया। अब यही नहीं, अव्ययम, ये शब्द कहाँ आया? हाँ मिल गया आपको, अव्यय। कथम, पूरे श्लोक रिपीट कर दिए भगवान ने, जितने पढ़ाए वो सब एक श्लोक में डाल दिए। हाँ भगवान बोलते हैं कथम, कहो, किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। कहो पार्थ, कथम से पुरुष, कौन किसको मारेगा? क्योंकि अर्जुन की समस्या क्या थी, मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा, मार ही नहीं दूंगा, मेरे मारने से ये मर जाएंगे, समस्या देख लेना। भगवान बोलते हैं कम घात यति, कौन किसको मारेगा? देखो जी, कौन किसको मारेगा, ना कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है। कथम स पुरुषा पार्थ, ए पार्थ, कम घात यति हंति कम, कौन किसको मारेगा? देखो जी, इसका मतलब आत्मज्ञान हो जाने के बाद ये मरने और मारने का भय जीवन से चला जाता है एकदम। मरने और मारने का जो भय है वो जीवन से, क्योंकि जड़ ये है, कुंजी ये है, वो अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं है। बोले फिर वह अपने आप को ब्रह्म चैतन्य मानता है तो वो तो पहले से ही है, अभी भी है और बाद में भी, तो कौन किसको मारेगा? आके यह जो प्रकरण है ये समाप्त होता है। अब जो हमारे प्रश्न रहते हैं वो ये कि इस शरीर के बारे में क्या होगा, वो भगवान ये श्लोक बड़ा अच्छा है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, बहुत सुना होगा आपने ये श्लोक, नवानी गृह्णाति नरोपराणी तथा। तो बोले ये आत्मा, ये चैतन्य का जन्म नहीं होता, फिर ये जन्म किसका हो रहा है? वो शरीर के बारे में बताइए जिसका जन्म हो रहा है। ये श्लोक आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।